तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी हाल ही में डीडी फ्रीडिश की ओर से 60E ऑक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जितने भी नए चैनल्स हैं उन सभी को यहां पर मौका मिलेगा इस 60E ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का। अब बात आती है कि आखिर ये 60E ऑक्शन जो है वो इतनी देरी से क्यों की गई, और आखिर अगर हो भी रही है तो कौन कौन से चैनल्स इस ई ऑक्शन में भाग लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बताना चाहूंगा कि 60E ऑक्शन 28 जून 2022 को आपके लिए की जाएगी, और उससे पहले जितने भी चैनल्स हैं जो भी इच्छुक हैं, चाहे वो पुराने हों क्योंकि डीडी फ्रीडिश से पहले बार हो चुके हैं जो अब देखने को नहीं मिलते, या फिर नए हों जो आज तक डीडी फ्रीडिश में आपको देखने को नहीं मिले, उन सभी को मौका दिया गया है। वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, किसी भी जनर का हो सकता है, उन सभी को यहाँ पर मौका मिल जाएगा पार्टिसिपेट करने का। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो ई ऑक्शन है वो MPG4 के लिए रखी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ MPG4 के ग्राहकों को ही फायदा होगा, MPG2 के उपभोक्ताओं को कोई भी इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास MPG4 का बॉक्स नहीं है तो आप बहुत से चैनल्स मिस कर रहे हो, जो कि मेरे ख्याल से आपको एक बॉक्स को अपग्रेड कर लेना चाहिए, एक बॉक्स को चेंज कर लेना चाहिए, जिससे आपका मनोरंजन जो है वो बढ़ जाएगा। करीबन 22 से 25 चैनल्स का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों, और मुझे लगता है कि जब डीडी फ्रीडिश सर्विस आप पूरी नहीं ले रहे तो उसका फायदा क्या, सिर्फ एक बॉक्स की वजह से। अगर आप एक बॉक्स चेंज कर लेंगे तो आपकी सर्विस भी अच्छी हो जाएगी, और इन केस अगर कभी फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं या चैनल्स आपके और बढ़ेंगे तो सिर्फ MPG4 बॉक्स के साथ ही आपको फायदा मिलेगा, MPG2 में नहीं। इसलिए आपको मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको एक MPG4 का बॉक्स बहुत ही बढ़िया चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने आपको बहुत ही लिंक्स दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो सोल्ड का बॉक्स ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो एंटिक्स का बॉक्स ले सकते हैं जो कि बेहद कमाल का है, और अपने वाईफाई कनेक्ट करके भी, यानी कि मोबाइल हॉटस्पॉट सेट करके भी इसमें आप यूट्यूब भी चला सकते हो। तो इतने बढ़िया बॉक्स आपके लिए हमने लेकर आए हुए और आप लेते नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस मौके को मत गवाएं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बॉक्स आपको मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, 100 rupees आपके ऑफ हो जाएंगे। हमारे वेबसाइट में जैसे आप जाएंगे कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दिए गए हैं। अब जो बात आती है दोस्तों वो नए चैनल्स की आती है, और इसी ऑप्शन में जो धीरे देखने को मिली है उसकी वजह क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल पर ही बनाए अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आगे भी सबसे पहले पाते रहने के लिए। इस ई ऑक्शन में देरी की वजह सिर्फ यही है कि स्लॉट्स खाली नहीं हो रहे थे। प्रसार भारती के पास फिलहाल इतना ट्रांसपोर्टर स्पेस नहीं है कि वो चैनल्स की कैपेसिटी को बढ़ा सके, यही वजह रही है कि फिलहाल जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कोई चैनल अगर विड्रॉ करता है तो डेफिनेटली वो जो है प्रोडक्ट बेसिस पर उसकी जगह भरने के लिए ई ऑक्शन करेंगे। और अभी हाल ही में बात करें तो MPG4 में करीबन 2 चैनल्स बंद हुए थे, पहले बी फ्लिक्स मूवी छोड़कर चला गया, और उसके बाद अभी हाल ही में रफ्तार मीडिया भी बंद हुआ है, और फाइनली जो 2 स्लॉट्स खाली हुए हैं तो प्रसार भारती को रिलाइज हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों स्लॉट्स को खाली देख रहे हैं तो क्यों ना उसको फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए, और उसी के लिए उन्होंने प्रोडक्ट बेसिस पर इस 60E ऑप्शन की अनाउंसमेंट की है। अब यहाँ पर उन सभी चैनल्स को मौका मिलेगा, लेकिन पार्टिसिपेशन में जो है सिर्फ 2 ही चैनल्स जीत पाएंगे, चाहे 10 चैनल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर ले लेकिन जो अच्छी खासी बोली लगा जाएगा वही देखने को मिलेगा। चैनल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों कुछ बड़े खासे चैनल आपको देखने को नहीं मिल सकते। अगर आप ये उम्मीद में है कि स्टार उत्सव या सोनी पर जैसे चैनल्स वापस आएंगे तो भूल जाइए, इनमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। MPG4 की जो कीमत है वो भी कम होती है, और जो मार्केटिंग है जो TRP वो भी कम होती है, और ऑडियंस भी बहुत कम है। आप खुद ही देख लीजिए, आज भी आप MPG2 का बॉक्स यूज कर रहे हैं तो MPG4 में जो है कौन सा चैनल पर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि चैनल को भी मालूम है ना कि जो MPG4 के दर्शक हैं वो है ही नहीं, जब वो ज्यादा दर्शक है ही नहीं तो वहाँ पे फायदा क्या है। लेकिन ये तो गलत बात है, आप MPG4 का बॉक्स लेते नहीं है, और अगर आप MPG4 बॉक्स आप लेने लगेंगे आपके चैनल जो है वो ज्यादा आपको मिलने लगेंगे, तो बाकी चैनल्स को भी आपके लिए इंटरेस्ट होगा, पैदा होगा कि हमें MPG4 का स्लॉट में आना चाहिए। अभी जो आपको MPG4 में इतने इंपॉर्टेंट चैनल्स नहीं मिलते हैं ना, तो उसकी वजह भी आप है कि आप सिर्फ MPG2 में गुजारा कर रहे हैं, अपने बॉक्स को चेंज ही नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी जो कमी है वो डीडी फ्रीडिश की भी है कि डीडी फ्रीडिश भी MPG4 के लिए प्रमोशन नहीं करता, प्रमोट नहीं करता, उसको भी एडवर्टाइजमेंट जरूर चलनी चाहिए थी, अगर वो चलाता तो डेफिनेटली सभी ग्राहक जागरूक होते। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ रहा है और हमें अपने दर्शकों को जागरूक करना पड़ रहा है, तुरंत जाइए और वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब बात आती है कि चैनल्स कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर नाम जो सामने आया वो एक जिया न्यूज का आया है, जो कि हिंदी न्यूज का चैनल है, टेस्ट सीजन पर शुरू हुआ है, वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे सकता है। इसके अलावा 2 से 3 चैनल और हैं जिनके नाम अभी तक मेरे सामने नहीं आए, डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन जल्दी वो अगर आते हैं तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप भूल ही जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि ब्रॉडकास्टर्स इस बार इतने अच्छे खासे इच्छा जताते हुए दिखाई देंगे। एक का चैनल लॉन्च होना है तो ज्यादा ब्रॉडकास्टर पार्टिसिपेट भी नहीं करते, और इसके अलावा एक चैनल है साधना टीवी, जो कि पहले आपको MPG2 में मिलता था, वो अब हटा दिया गया, वो करेज फीस पे नहीं कर पाया, वहां पर ई ऑप्शन में स्लॉट नहीं ले पाया, तो MPG4 में हिस्सा जो लेते हुए दिखाई दे सकता है। आपका क्या कहना है, कौन से चैनल है जो कि MPG4 में आने चाहिए, जो भी आपके मन में सवाल हो नीचे आप बता सकते हो, लेकिन बड़े चैनल्स की मांग ना ही करें तो बेहतर होगा,
वो चैनल सबके MPG 4 में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप MPG 4 बॉक्स में अपग्रेड नहीं करेंगे। नमस्कार।